बीते तीन सालों से चल रहा बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटने की खबर ने जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल ला दिया है। बता दें आपको, भाजपा नेता राम माधव ने ऐलान करते हुए कहा है कि अब सूबे में पार्टी का गठबंधन नहीं रहेगा। तो वहीं अचानक इस ऐलान के बाद तमाम तरह की वजहें सामने आ रही हैं। तो वहीं भाजपा ने अपना भी पक्ष रखा है कि आखिर उसने गठबंधन क्यों तोड़ा है। तो वहीं अभी तक इस मामले में पीडीपी की तरफ से कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। तो वहीं इस मामले पर अब विरोधियों ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। इतनी बड़ी बात हो और भारतीय जनता पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करना था तो पहले ही कर देते, अब ये फैसला लेने की जरूरत क्या थी। सिन्हा का कहना है, दोनों ही पार्टियों की सोच में मनभेद था, जिस वजह से अलायंस ज्यादा दिनों तक चल भी नहीं सकता था। सिन्हा के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर पार्टी के इस फैसले को जोड़कर देख रहे हैं। तो वहीं अब इस मामले पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी तंज कसा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि पीडीपी बीजेपी गठबंधन राष्ट्र विरोधी और असामान्य था। हमारी पार्टी ने पहले ही कह दिया था ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक काम नहीं करेगा, क्योंकि साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता को जवाब देना ही होगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।